अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। विधायकों के बाद सांसद सरकार से खफा, हरदोई सांसद का छलका सोशल मीडिया पर दर्द, परेशानी बताई तो बीजेपी में मची खलबली, सांसद ने कहा ऐसी बेबसी नहीं देखी कभी, जिला उपाध्यक्ष ने सांसद को दिखाया आईना। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार और सरकार के सिपाही ही सरकार से तंग, परेशान और हैरान हैं। यही वजह है कि अक्सर कोई न कोई नेता सरकार पर आरोप लगाता है और सोशल मीडिया पर अपना दर्द जाहिर करता है। अभी उन्नाव के सदर विधायक के थाने में धरने को कुछ घंटे ही गुजरे कि अब हरदोई से बीजेपी सांसद ने अपना दर्द सोशल मीडिया पर बयान किया। लेकिन गजब की बात ये रही कि सांसद दर्द बयान कर रहे थे और उन्हीं की पार्टी के नेता उनका विरोध कर रहे थे। ऐसे में समझ ये नहीं आ रहा कि सांसद बीजेपी में हैं या सिर्फ कहने भर के लिए उनको बीजेपी का माना जा रहा है। अपने नेता की बेबसी पर सवाल उठाने वाली पार्टी बीजेपी पहली पार्टी बनती जा रही है। वहीं सांसद ने दर्द साझा किया तो फिर हर तरफ योगी सरकार को लेकर सुर्खियां बनने लगी और विपक्षी दलों ने सवाल दागने शुरू कर दिए। अब प्रदेश की आवाम की कौन सुनेगा जब विधायक और सांसदों की ही नहीं सुनवाई हो रही। खैर, बात करते हैं हरदोई से बीजेपी सांसद की परेशानी की। हरदोई के गोपामऊ से विधायक श्याम प्रकाश के बाद अब सांसद जय प्रकाश रावत ने अपनी बेबसी जता दी है। सोशल मीडिया पर जय प्रकाश रावत ने अपना दर्द बयान किया है। सांसद जय प्रकाश रावत ने लिखा कि हमको कौन सुनता है, 30 साल की राजनीति में और अपनी ही पार्टी के कार्यकाल में ऐसी बेबसी नहीं देखी है। हरदोई से बीजेपी सांसद जय प्रकाश ने फेसबुक पर अपने मन की व्यथा व्यक्त की। उन्होंने लिखा कि जब से ऊपर से आदेश हो गया कि अधिकारी अपने विवेक से काम करें तो हमको कौन सुनेगा। इतना ही नहीं, जब अन्य लोगों ने कमेंट किए तो उन्होंने लिखा कि वास्तव में मैं चकित हूँ, प्रदेश में तो MP MLA की कोई सुनने वाला नहीं है। दरअसल सांसद के समर्थकों ने कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए सांसद की निधि से जिला अस्पताल में वेंटिलेटर खरीदने की बात फेसबुक पर लिखी थी। समर्थकों का कहना है कि अगर वेंटिलेटर खरीद लिए जाते तो ये दशा नहीं होती। जिस पर सबसे पहले विधायक श्याम प्रकाश ने कमीशनबाजी का कमेंट लिखा, उसके बाद फिर सांसद जय प्रकाश रावत ने भी अपनी भड़ास निकाली। इनके कमेंट के बीच में बीजेपी संगठन के लोगों ने विरोध जताना शुरू कर दिया। जिला उपाध्यक्ष राजेश अग्निहोत्री ने फेसबुक पर ही लिखा कि मान्यवर जानकारी कर लें, कोविड हॉस्पिटल में 12 वेंटिलेटर सक्रिय हैं। हरदोई में सोशल मीडिया पर अक्सर विधायक श्याम प्रकाश की पोस्ट लिखने के बाद अब सांसद ने भी अपने मन की बात रखी है। ऐसे में एक बार फिर योगी सरकार के नियमों के विरुद्ध उठने वाली आवाज की खबरों को बल मिल रहा है और विपक्षी दल सांसद को अलग अलग प्रलोभन दे रहे हैं। कई यूजर्स ने तो सांसद को पार्टी बदलने का सुझाव दे डाला, वहीं कईयों ने योगी सरकार की सोशल मीडिया पर ही बखिया उधेड़ दी। गजब की बात ये रही कि सांसद के शब्दों पर सहमति जताने की बजाय जिला उपाध्यक्ष ने उनको आईना दिखाने की कोशिश की और सोशल मीडिया पर ही लिख दिया कि मान्यवर पहले जानकारी ले लें। अब सवाल इस बात का है कि आखिर ऐसे हालात पार्टी में बन क्यों रहे हैं और क्यों विधायक सांसद अपनी ही पार्टी के खिलाफ सोशल मीडिया पर भड़ास निकाल रहे हैं। अगर यही हाल चलता रहा तो फिर बीजेपी के लिए आगामी चुनाव में खतरे की घंटी बज सकती है और नेताओं के पलायन का दौर भी देखने को मिल सकता है। देखना ये है कि इस तरीके के मामलों पर केंद्रीय नेतृत्व क्या फैसला लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।